हेलो हेलो, स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो चैप्टर है लोकोमोशन और मूवमेंट, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं खुद जो है डॉक्टर अनंत कुमार, मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ 2017, एंड मेरा जो बैच है 2012 का है। मेरे टाइम पे तो ऑल इंडिया हुआ करता था AIPMT, तो उस टाइम पे भी NCERT नीट ऑब्जेक्टिव भी हुआ करता था और मैं NCERT पढ़ा करता था। तो मेरा जो पास आउट का उस टाइम पे जो परसेंटेज मेरा था प्री और मेंस होता था 82%। तो 82% मैं NCERT से लाया हूँ, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि कहीं ना कहीं मैं NCERT से बहुत कुछ आपके साथ बता सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ, कुछ हेल्प करने की कोशिश मेरी है। यहाँ पे कोई मेरा जो मोटो इनकम है, कहीं कोई इनकम शेयर लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ मैं NCERT से आपका हेल्प कर सकूँ, वही मेरा यहाँ पर इंटेंशन रहेगा। तो यहाँ पर पढ़ाने का जो मेरा तरीका होता है उसमें होता है कि NCERT को मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो है कि कौन से लाइन से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाना है जो इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट को समझाना भी होता है, और क्वेश्चंस बनाने हैं और बताने हैं, टिक मरवाने हैं, तो बहुत सारे काम यहाँ पे मैं करेंगे। तो चलते हैं, लोकोमोशन और मूवमेंट जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर आज है, तो स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट जो होता है एक सेकंड, मोमेंट टिक मारते रहेंगे हम आपके साथ, मैं भी ले लेता हूँ। तो मोमेंट जो यहाँ पे है इज़ द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग अर्थ। एक चीज़ मैं गौर किया हूँ कि जो NCERT का पहले का जो पैराग्राफ होता है, कुल मिलाकर उसका कुछ मतलब होता नहीं है, कुछ मीनिंग निकलते नहीं है उसके, बट स्टिल जो है हम उसको लेके चलेंगे और बताएंगे। मूवमेंट इज़ द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स है, ठीक है, एनिमल। और अब जो लाइन मतलब का नहीं है उसे मैं क्या समझाऊंगा, छोड़ देता हूँ। एनिमल और प्लांट एग्जिस्ट ए वाइड रेंज ऑफ द मूवमेंट होता है, अ स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जैसे अमीबा वगैरह जो है यूनिसेलुलर जो होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्म जो है स्ट्रीम करता है, मूव करता है यूनिसेलुलर में। सेल तो एक ही है, अब उनको चलना है तो कैसे चलेगा, जो सेल जो होते हैं ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये सेल्स का जो ऊपर जो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मूव करेगा, और इससे फिर इसका मूवमेंट होगा। मूवमेंट ऑफ द सिलिया और फ्लेजिला जो होता है सो बाई द मेनी ऑर्गेनिज्म भी देखा जाता है। सिलिया फ्लेजिला भी तो होता है ना, सिलिया छोटे 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 छोटे, यदि सिलिया निकले रहेंगे, बड़े होते हैं फ्लेजिला होते हैं। टेंटिकल्स आर द सो बाई द मेनी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स बींग कैन मूव। हम लोग कैसे मूव करते हैं, लिम्ब जॉ से, और आईलिड भी मूव करता है, टंग मूव करता है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द पैलेस और लोकेशन, यहाँ से वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। सच वॉलंटरी जो हमारा लोकोमोशन है, वॉकिंग जो है, रनिंग है, क्लाइंबिंग है, फ्लाइंग है, स्विमिंग है, ऑल ये सब हमारा लोकोमोटरी है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द दोज अफेक्टेड अदर टाइप ऑफ द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, पैरामेशियम जो है सिलिया है, पैरामेशियम सिलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू साइटो फारिंग्स एंड लोकोमेशन एज वेल। ये क्या चीज़ लिख रहा है कि जो पैरामेशियम जो होते हैं, यदि पैरामेशियम है तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे ये होता है साइटोफेरेंक्स है। अब यहाँ से क्या होता है, सिलिया इसके पास जो होता है, ये सिलिया क्या करेगा कैप्चर करेगा फूड को, मूवमेंट करेगा फूड को, फूड पार्टिकल को भी करेगा, और थ्रू द साइटोफेरेंक्स जो इसका साइटोफेरेंक्स में है यहाँ से, एंड ये चलने में मदद करेगा। तो दो दो काम हो गया इसका। हाइड्रा की रही बात, कैन यूज देयर टेंटिकल्स होते हैं कैप्चर करने के लिए, प्रे के लिए, एंड लोकोमोशन में भी काम होता है। तो दो दो यहाँ पर भी काम हो गया। बी कैन बी यूज द लिम्स फॉर द चेंज ऑफ द बॉडी फोर्सेज, जो हम लोग करते हैं लोकोमोशन एज वेल। द एबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडी सेपरेटली। ठीक है, तो मूवमेंट होगा तो लोकोमोट तो करेगा भाई। द टू बे आई लिंक बाई द स्टेकिंग दैट ऑल मूवमेंट। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लोग जो इस पर गेस टाइम देते नहीं है, बट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो एक ही बनेगा तो एक ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए। मैथड ऑफ द लोकोमोशन परफॉर्म बाई द एनिमल वैरी विद देयर हैबिट्स एंड द
हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हाउएवर द लोकोमोशन इज जनरली फॉर द सर्च ऑफ द फूड शेल्टर मैट सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड फेवरेबल क्लाइमेट। ठीक है ठीक है। टाइप ऑफ द मूवमेंट जो होता है सील ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट मेनली टाइप ऑफ द मूवमेंट की नेमली जो होता है ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं। ये क्या क्या होते हैं? एमेबॉइड होता है, सिलियरी और मस्कुलर। इसके बारे में सब डिटेल करूँगा पेशेंस। एक चीज़ मैं गौर करता हूँ कि कोई भी लाइन हर एक चीज़ जो होता है पूरा हमारा यूनिवर्स होता है ना एक दूसरे में कनेक्टेड है। इवन हमारा एनसीईआरटी भी कनेक्टेड है। हर एक लाइन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब ये जोड़ना शुरू कर देंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस जोड़ना हमको चाहिए, जितना हम जोड़ पाएंगे उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा ये चीज़ें। सम स्पेशल सेल इन आवर बॉडी होता है जैसे मैक्रोफेज एंड तो मार्क करते जाएंगे। यहाँ पे जो मैक्रोफेज हमारे ब्लड में है लीकोसाइट होता है, ये सब क्या होता है? इम्यूनिटी के लिए होता है। इन ब्लड जो होता है ये क्या करता है? अमीबॉइड मूवमेंट के जैसा जो होता है मूवमेंट होता है अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है? अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है? तो यदि ये जो है अमीबा है तो ये इसका चलने का तरीका होता है, इसका ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे प्रेस करेगा तो ये दबेगा, तो पीछे जो होता है ये आगे की तरफ मूव करता है। एक सेकंड। हाँ तो हम क्या यहाँ पे क्या है कि जो अमीबॉइड टाइप का जो मूवमेंट बताया जा रहा है ये क्या चीज़ है, तो ये कैसा मूवमेंट होता है वो बता रहा हूँ कि यदि ये अमीबा है, ये कोई अमीबा है और यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ है तो इसका होता है दो होता है, एक जो प्लाज्मा होता है एक बाहर का प्लाज्मा होता है एक अंदर का प्लाज्मा इंडो प्लाज्मा होता है। तो ये जो सरफेस यहाँ से कंप्रेस करता है और ये सरफेस आगे की तरफ मूव करता है, ये कंप्रेस करेगा तो ये वाला पोर्शन आगे जाएगा और ये फिर ये आगे जाएगा, पीछे वाला पोर्शन आगे जाएगा, तो आगे आगे ये जाएगा और पीछे वाला पोर्शन आगे जाएगा। इस तरह से मूवमेंट होता है। तो दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट जो होता है अमीबा टाइप का मूवमेंट कहा जाता है। तो ये हमारा मैक्रोफेज टिक मारते जाना है साथ में और ल्यूकोसाइट का मूवमेंट करता है अमीबा टाइप मूवमेंट। इट इज़ द इफेक्टेड बाई द सुडोपोडिया फॉर्मेड बाई द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन। मतलब ये जो सुडोपोडिया ही बनाता है, ये जो बताए थे ना ये जो फॉर्मेशन करता है ये सुडोपोडिया से कहते हैं। तो हम यहाँ मिलता है साइटोस्केल्टन एलिमेंट लाइक द माइक्रोफिलामेंट ऑल्सो इनहिबिट द अमीबॉइड मूवमेंट, ये भी ऑल्सो इन्वॉल्व इन द अमीबॉइड मूवमेंट। तो साइटोस्केल्टन जो हमारा है माइक्रोफिलामेंट है वो भी करता है। सिलिया जो होता है मूवमेंट अकर इन द मोस्ट ऑफ द अवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी हमारा इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होगा विच लाइन बाय द सिलियरी एपिथेलियम। यदि कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम ले ले ट्रेकिया वगैरह ले ले तो वहाँ क्या होता है अंदर सिलिया होता है। और ये क्या होता है कि इधर से जो एयर इंटर कर रहा है थोड़ा कहीं भाग जाता, ज़्यादा स्पीड ही निकल जाता है। तो ये जब हमारा एयर इंटर करता है यहाँ पे तो क्या होता है ये जो है ये पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है। तो ये मूवमेंट सिलियरी मूवमेंट है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रेकिया जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ट्रेकिया में हेल्प इन द रिमूविंग ऑफ डस्ट पार्टिकल, बताया था डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। सम ऑफ द फॉरन पार्टिकल आ गया उसको भी रोकता है जो हम इनहेल कर लेते हैं एटमोसफियर से। तो पैसेज ऑफ द ओभा जो ओभम है यदि हम यहाँ पे बताएं यदि जो पैसेज ऑफ जो यहाँ पे देखा जाए जो फोलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे ओभड़ी है तो यहाँ से जब ओभम जो है निकल के जाता है फोलोपियन ट्यूब में और ये आएगा यूटेरस में तो यहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होता है। यहाँ पे सिलिया होते हैं वो मूव करके यहाँ पे ले आते हैं और फिर इधर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तो सर्विक्स में होता है, वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये डिटेल्स में बताऊंगा। फिर जो होता है जो ओवम का पैसेज है थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फैसिलिटेट बाय द ये जो बताया था सिलियरी मूवमेंट के द्वारा होता है। मूवमेंट ऑफ अपर लिम्स वगैरह जो होता है जॉ टंग होता है रिक्वायर था या तो मसल्स होते हैं तो यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज के मसल्स के होते हैं एंड दिस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी
ये हमारा लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करवाता है हमें। तो लोकोमोटरी रिक्वायर एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। मसल्स के होते हैं इसमें, स्केलेटल मसल, न्यूरल मसल्स, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, ब्रेन देगा सिग्नल की या मूव करो, तो वो होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए, अदर फिश होता है प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे ये था, अब मसल्स की बात करते हैं। यू हैव द सप्लाई द, अब यहाँ पे मसल्स को समझते हैं। सिलियर फ्लेगला एट द आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी ठीक मारिए। जो सेल मेम्ब्रेन है, सिलियर फ्लेजिला जो है क्या, ये सेल मेम्ब्रेन का ही आउट ग्रोथ है, ये भी खास लाइन है। फ्लेजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोजुआ, जो फ्लेजिला है, अब फ्लेजिला क्या होता है, सिलिया तो आपने देखा, कुल मिलाकर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, ये फ्लेजिला है, ये फ्लेजिला है, सॉरी ये सिलिया है, और ये बड़े से जो स्ट्रक्चर है ये फ्लेजिला होते हैं। तो फ्लेजिला जो होते हैं हेल्प इन द स्विमिंग, स्विमिंग करता है स्पर्मेटोजुआ, जो हमारे स्पर्म होता है। मेंटेनेंस ऑफ द वाटर करेंट इन द केनाल सिस्टम ऑफ द स्पंज, जो स्पंज में था वहाँ पे। एंड लोकोमोशन ऑफ द प्रोटोजुआ, ये जो वाटर केनाल सिस्टम था ना स्पंज में, ये जो पानी एक तरफ से आता था और चला जाता था, ये वाला सिस्टम जो था आना और चले जाना, तो यहाँ भी तो ये फ्लेजिला यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो स्पंज में उसके बाद लोकोमोशन प्रोटोजुआ लाइक द यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना में भी है चलने के लिए। मसल्स इज द स्पेशलाइज टिश्यू ऑफ द मेजो एपिथेलियल मेजो डर्मल ओरिजिन, एम फॉर मसल, मैं ट्रिक पहले दिया हूँ, एनसीआर ड्रेस दिया हूँ, आप पिछले वीडियो में हमारा देख सकते हैं, NCER DRES NCER, एक ट्रिक क्या है, ट्रिक में बताऊँ, एक ट्रिक मैं दिया हूँ, ये क्या है, NCER DRES, इक्टोडर्मल, एन जो है इक्टोडर्मल, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्ट, NCER रिस्पिरेटरी जो होता है, NCER रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी और रिस्पिरेटरी, ये तीनों जो है मेजोडर्मल होता है, और डाइजेस्टिव, ये हमारा एंडोडर्मल है। तो ये हमारा ट्रिक भी था। तो यहाँ पे जो मसल्स वगैरह आते हैं जो सब मेजोडर्मल होते हैं। अभी हम बात करते हैं मसल्स के बारे में, हो गया 40-50% जो होता है ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज द कंट्रीब्यूटेड बाई मसल्स ही होते हैं, ये टिक मारिए। 40-55% जो है मसल्स है। कहने का लाइन ये होता है कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन तो पढ़ना जरूरी, क्वेश्चंस बनाना ही है, बट जो होता है जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा चांसेस है उसी से एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ इस चैप्टर से क्या एक क्वेश्चन आएगा, अब क्या आएगा वही गेस करने की चीज़ है। इंपॉर्टेंट लाइन से आने वाला 100%, और जो मैं मार्क करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है, और बताऊँगा कहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा। दे हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक द, अब ये जो मसल्स है एग्जाइटेशन होता है इसमें, फिर कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर बड़ा हो जाता है, एक्सटेंशन होता है, और इसका फिर से वापस आ जाएगा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग द डिफरेंट क्राइटेरिया, लोकोमोशन पे देखा जाए, अपरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन द लोकेशन पे देखा जाए कहाँ कहाँ पे है, तो ये स्केलेटल होता है, विसरल होता है और कार्डियक होता है। तो हम बात करते हैं अभी स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो हमारे स्केलेटल मसल हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, स्केलेटल मतलब जो बोन है द, तो ले लेते हैं हम जो स्केलेटल होते हैं वो स्केलेटल दे है द स्ट्रिपेड होता है, स्केलेटल का स्ट्रिपेड अपीयरेंस होता है अंडर द माइक्रोस्कोप। स्ट्रिपेड क्या होता है, स्ट्रिपेड जो स्ट्रिपेड और क्या, यदि ये जो है, यदि एक मैं एक मसल्स बनाऊँ, तो एक मसल्स यदि हम क्रॉस सेक्शन यदि काट के देखते हैं तो स्ट्रिपन आता है, स्ट्रिपन है, स्ट्रिप ऐसा होता है, स्ट्रिपेड होता है माइक्रोस्कोप, और इसको कहते हैं स्ट्रिटेड मसल। एज देयर द एक्टिविटी आर अंडर कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट होता है, जो वॉलंटरी होता है, नर्वस होता है,
वॉल्यूंट्री का मतलब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ ये मसल पे हमारा कंट्रोल है। दे आर द कॉल वॉल्यूंट्री मसल कहते हैं। दे आर द प्राइमरी इन्फॉर्मिंग द लोकोमोशन एक्टिविटी और चेंज इन द बॉडी पोस्चर। विसरल क्या होता है? विसरल जो हमारे बॉडी के अंदर के जितने स्ट्रक्चर हैं, जितने पार्ट हैं, उसको कहा जाता है विसरल कहा जाता है। तो विसरल जो हमारा है लोकेटेड इन द इनर बाल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, सारा जो है सब अंदर जितना है सब विसरल कहा जाता है। दे आर द नॉट एग्जिस्ट बाय द स्ट्रिएशन, यहाँ पे नहीं है। एंड ये जो है डू नॉट एग्जिस्ट एनी स्ट्रिएशन और स्मूथ, तो हेंस दे आर द कॉल स्मूथ। मतलब यहाँ पे जो ये स्ट्रिएशन था, ये जो चीज स्ट्रिएशन था, ये नहीं है मतलब स्मूथ है, तो स्मूथ मसल भी कहते हैं इसको। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, ये हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। देयरफॉर नोन एज द इनवॉलंटरी कंट्रोल, ये जो है अंदर खुद ब खुद होता रहता है। दे एग्जिस्ट असिस्ट फॉर द एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, तो होता क्यों है? जैसे हम ओसोफेगस बनाए, तो यहाँ से यदि हम खाना लेते हैं तो ये जो है नीचे चला जाता है। ये चला जाता है कैसे? एक तो वॉलंटरी मूवमेंट होता है तब, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है तब, तो ये जो होता है ट्रांसपोर्ट हुआ फूड के लिए। थोड़ा डाइजेस्टिव ट्रैक, गैमेट जो जेनिटल ट्रैक्स में बताया था, यदि जो है मूवमेंट होता है मसल का मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा चला जाता है। एज द नेम सजेस्ट द कार्डिक मसल की बात करते हैं, तो हार्ट में है मेनली कार्डिक मसल। ए सिंबल इन द ब्रांचिंग पैटर्न होता है, ये इसका बहुत खास लाइन है। ब्रांचिंग पैटर्न पे टिक मारना ये जो है ब्रांचिंग पैटर्न शो करता है। टू फॉर्म ए कार्डिक मसल बेस्ड ऑन द अपरेंस, कार्डिक मसल आर द स्ट्रेशन भी यहाँ पे होता है। दे आर द इनवॉलंटरी, हार्ट तो अपने आप कॉन्ट्रेक्शन करता है। एज द न्यूरल सिस्टम, देखिए स्ट्रेशन जो होता था वॉलंटरी मसल में है, लेकिन यहाँ पे भी है, कमाल की चीज़ है। इन द नेचर नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, मतलब हार्ट का तो कंट्रोल है, भेगस आता है और डायरेक्टली नहीं होता है। आर द इनवॉलंटरी, लेकिन ये मसल अपने आप काम कॉन्टेक्ट करता रहता है। लेट अस टेक एग्जांपल स्केलेटल मसल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक बढ़ते हैं आगे से। डिटेल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, इच ऑर्गनिज्म स्केलेटल मसल इज द बॉडी इज द मेड अप द नंबर ऑफ द मसल बंडल एज ए फेसिकल्स। पहली बात जो होता है ये, यदि हमारा यहाँ पे दिखाया गया, एक डायग्राम दिखाया गया, देखिए ये क्या बोल रहा है। ये मान लीजिए मसल्स है, ठीक है, ये पूरा मसल्स है, तो इसमें बहुत सारा ये सब क्या है मसल्स फाइबर, बहुत सारा मसल्स फाइबर है। तो ये मसल्स फाइबर जो होता है, यदि मसल्स फाइबर का एक ग्रुप बनाया तो इसको फेसिकल्स बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारा फेसिकल्स है, मसल सेल्स जो होता है, और सार्कोलेमा, इसका जो कवरिंग होता है मसल्स लेयर को, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। इसका ब्लड सप्लाई भी है, तो फेसिकल्स क्या होता है, एक बंडल जो बना उसको बोलते हैं फेसिकल्स बोलते हैं। हिल टुगेदर बाय ए कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, तो लेयर कॉल्ड फेसिया, फेसिया इसका कवरिंग है। इच मसल बंडल कॉन्टेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर, बहुत सारा मसल फाइबर है वो तो दिख रहा है। मसल फाइबर इज द लाइन बाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉर्स सार्कोलेमा, यहाँ पे टिक मारिए सार्कोलेमा। तो मसल का जो मेम्ब्रेन है बाहर का, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। इनक्लोज द उसको इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, प्लाज्म का मतलब जो पानी उसका अंदर है, सारा मटेरियल उसको अंदर को क्लोज करके रखा है। मसल फाइबर इज द सिंसाइटियम होता है एज द सार्कोलेमा कॉन्टेन मेनिनिकुलिया, ये क्या होता है सिंसिटियम, यहाँ पे जो होता है बहुत सारा निकुलिया सिंसिटियम बोला जाता है, सिंसिसियम या सिंसिटियम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, यहाँ पे सब सार्कोप्लाज्मिक बर्थ देख दिया बोला जाता है। अब द मसल्स, एक सेकंड हाँ, तो ये क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे, ये स्टोर करता है कैल्शियम, और कैल्शियम का रिक्वायर है क्यों, मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रेक्शन के लिए। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल्स फाइबर आर द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पैरेलल अरेंज फिलामेंट इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोफिब्रिल्स। तो ये जो मसल्स होते हैं इसमें जो होता है पैरेलल अरेंज जो होता है, एक में देखा जाए तो बहुत सारा क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है या माइक्रोफाइबर होता है। इच माइक्रोफाइबर इज द हैज द अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड, ये सब मैं समझा रहा हूँ, डार्क और लाइट बैंड होता है, यहाँ पर डायग्राम दिया भी होगा।
ये जो होता है, ये पूरा फिलामेंट जो होता है ये डार्क है और लाइट है, डार्क है और लाइट है, तो ये डार्क और लाइट बैंड होता है। पूरा स्ट्रक्चर डिटेल से जाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है स्ट्रक्चर। उसके बाद जो होता है ए डिटेल स्टडी ऑफ द माइक्रो फिब्रिल जो होता है, हेड स्टेबलाइज इज द स्ट्रेटेड अपरेंस है सर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन है मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, तो ऐसा एक स्ट्रेशन पैटर्न बना देता है। द लाइट बैंड कॉन्टेन द एक्टिन एंड इज द कॉल आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, आई का मतलब आइसोट्रोपिक, और जो डार्क बैंड था वो उसमें क्या होता है, उसमें ए होता है, मतलब ए कहते हैं, मतलब एनिसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। बोथ प्रोटीन आर द एरान जैसे रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैरेलल टू इच अदर होता है। यहाँ पे ये ए है, ए बैंड है, और ये आई बैंड है, ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो जो यहाँ पे एक्टिन मायोसिन का ये चीज़ पूरा चलता जाता है, तो जो लाइट बैंड है वो आई है और जो डायरेक्ट बैंड है वो ए है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बोथ प्रोटीन जो है रेड लाइक पैरेलल स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल था। एक्टिन फिलामेंट आर द थिनर एंड कंपेयर टू मायोसिन, हाँ मायोसिन ज़्यादा मोटा है, थिनर है, एक्टिन पतला है, मायोसिन मोटा है। हिंस द कॉमनली कॉल्ड एट द थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली, मतलब एक्टिन पतला है और मायोसिन मोटा है। इन द सेंटर ऑफ द इच आई बैंड इज द इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन, ये जो आई बैंड है, आई बैंड के बीच में ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये पूरा जेड लाइन है। तो ये एक जेड लाइन और दूसरा एक जेड लाइन जो होता है ये दोनों के, ये पूरा जो होता है ये सार्कोमर कहते हैं इसको, दो जेड लाइन के बीच का जो है सार्कोमर कहते हैं। और जो ए बैंड होता है, ए बैंड होता है, ए बैंड के बीच में जो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले पोर्शन, इसको कहते हैं एच जोन। तो जेड लाइन क्या होता है, जेड जो है आई बैंड के बीच का जो जगह है उसको कहते हैं जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच को कहते हैं सार्कोमर। एक्टिन फिलामेंट आर द, ये हो गया सेंटर ऑफ द आई बैंड जो था वो क्या है, जेड लाइन है, जो कि बाइसेक्ट करता है। थिन फिलामेंट आर द फॉर्मली अटैच टू जेड लाइन, ये देखिए यहाँ पे आई बैंड में एक तरह से थिन फिलामेंट ही है, एक्टिन ही है, तो ये जो है एक्टिन जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ये देखिए ये एक्टिन, ये कनेक्टेड है, एक्टिन यहाँ से कनेक्टेड है, एक्टिन कनेक्टेड है, एक्टिन कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, एक्टिन मायोसिन, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, फिर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, ऐसे। तो इससे जो कनेक्टेड है तो वो कौन सा है, जो जेड जेड जो होता है जेड लाइन से कौन सा कनेक्टेड होता है, तो एक्टिन होता है। टिक मारिए ये वाला पोर्शन पे टिक मारना। जो थिन फिलामेंट होता है ए बैंड जो होता है वो हेल्ड टुगेदर बाय द मिडल ऑफ द बैंड में से अटैच्ड होता है। हाँ कहाँ गया, द थिन फिलामेंट फॉर्मली अटैच टू जेड लाइन, ठीक है। फिर तो थिक फिलामेंट है मोटा वाला, इन द ए बैंड आर द ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाई फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। ये क्या बता रहा, यहाँ पे ये जो ना ये बीच में यहाँ पे एम लाइन होता, यहाँ पे एकदम बीच में दिखाता। तो ये जो ये बोल रहा हूँ, ये वाला जो एक्टिन है ये तो कनेक्टेड है, ये तो एक्टिन कनेक्टेड है, लेकिन जो जेड लाइन से, लेकिन जो मायोसिन वाला ये रेडेड दिख रहा है मायोसिन, ये तो कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो होता है ये बीच में एक लाइन जाता है एम लाइन, और इससे जो होता है कनेक्टेड होता है, ये वाला पोर्शन इससे कनेक्ट कर जाता है। तो एम लाइन द ए एंड आई बैंड आर द अरेंज अल्टरनेटली होता है थ्रू द लेंथ ऑफ मायो, ठीक है, पोर्शन द मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सार्कोमर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सार्कोमर क्या है, फंक्शनल यूनिट, दो जेड लाइन के बीच का जगह को सार्कोमर कहते हैं और वो फंक्शनल यूनिट है। इन द, ये टिक मारिए यहाँ पे, चलें आगे। इन रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलेप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लिविंग द सेंटर पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। ये क्या कह रहा, जब हम रेस्ट कहते हैं तो थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड जो है थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलेप कर रहा है, मतलब देखो देखिए होगा क्या, ये जो थिन है और थिन है,
जब ये दो काला दिख रहा है ना, ये दोनों मसल्स क्या होता है, ये यदि कॉन्ट्रेक्शन होगा तो छप जाएगा, तो कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा, तो जो एज जोन होता है वो क्या होगा, गायब हो जाएगा, डिसअपीयर कर जाएगा, तो कॉन्ट्रेक्शन में कौन सा जोन है, एज जो है आ जाएगा, और यदि अभी रिलैक्सेशन है तो क्या है, ये है, तो ओवरलेप किए हुए, पार्शियली ओवरलेप है, फुल्ली तो नहीं है, कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो फुल्ली ओवरलेप हो जाएगा। ओवरलेप का मतलब एक दूसरे पर चढ़ गया, ओवरलेप कर रहा है फ्री एंड अभी तक। द सेंटर पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलेप बाई द थिन फिलामेंट, तो इसको कहते हैं अभी जो वाला पोर्शन पे ओवरलेप नहीं किया, रेस्टिंग में एज जोन बनता है, कॉन्ट्रेक्ट में तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये काला दोनों पास आएगा तो क्या होगा, इस वाला जगह कहाँ रहेगा, गायब हो जाएगा ना, ये इधर से पास में आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, इच एक टीन की बात करें, अब जो है जो कॉन्ट्रेक्टाइल जो प्रोटीन है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। जो एक्टीन है, थिन फिलामेंट है, इज द मेड ऑफ द इफ फिलामेंटस एक्टीन हेलिकली वन टू इच अदर, ये है, ये जो होता है इफ एक्टीन जो होता है, ये दो है, एक है ये वाला, एक है दो ये वाला, जो ग्रीन बॉल दिख रहा है ना, दो है ये बना हुआ है, हमारा एक्टीन बना हुआ है। इफ एक्टीन होता है पोलीमर ऑफ द मोनोमर ऑफ द जी ग्लोमुलर एक्टीन, अब ये जो है ये तो इफ एक्टीन है, ये एक जो दिख रहा है ग्लोबल ग्लोमुलर जी कहते हैं, जी ग्लोमुलर प्रोटीन कहते हैं, ये उससे बना हुआ होता है। द फिलामेंट ऑफ द अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टीन थ्रू आउट इस लेंथ, ये ट्रोपोमायोसिन, ये जो दिख रहा है, ये रस्सी जो दिख रहा है ना, ये रस्सी, ये ट्रोपोमायोसिन, ये जो है इस पर पूरा लेंथ पे चल रहा है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ द ट्रोपोमायोसिन, अब ये जो है ट्रोपोनिन जो है, एक ट्रोपोनिन, ये रस्सी है, रस्सी के ऊपर तीन दाना, तो ये है ट्रोपोनिन, इसके बारे में बताएंगे जब कॉन्ट्रेक्शन पढ़ेंगे तो समझेंगे कि आखिर सबका क्या रोल है। उसके बाद इन द रेस्टिंग स्टेट ए सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन मास्क द एक्टी बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टीन फिलामेंट, तो ये क्या कह रहा है, जब हम आराम से बैठे हुए हैं तो ये जो ट्रोपोनिन, आखिर ये जो है ये यहाँ पे एक्टिव साइट था एक्टीन पे, तो उसको जो है बंद किए हुए हैं, यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, मायोसिन से इसका ये होगा, इससे ये होगा, मायोसिन बाइंड करेगा, तो वहाँ पे दूसरा चेन जो था मायोसिन कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे, तो इसको जो है एक्टिव साइट को ये बंद किए हुए हैं, मास्क किए हुए। इच मायोसिन थिक फिलामेंट इज द ऑल्सो पोलीमराइज प्रोटीन होता है, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, ट्रोपोमायोसिन, व्हाट इज दिस ट्रोपोमायोसिन, या ट्रोपोनिन दे देगा, ट्रोपोमायोसिन पे आ चुका है। इच मायोसिन थिक फिलामेंट इज द ऑल्सो पोलीमराइज प्रोटीन होता है, थिक वाला जो होता है, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल द मेरोमायोसिन जो होता है कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, ये जो बना है मेरोमायोसिन से बना हुआ है, ये मायोसिन सांप के जैसे नहीं दिख रहा। इच मेरोमायोसिन हैज द टू इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ए ग्लोबुलर हेड होता है विथ ए शॉर्ट आर्म एंड ए टेल, ये हेड है माता, फिर पुच्छी, ये आर्म, फिर पुच्छी, टेल, और जो हेड पे होता है एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, ये क्या है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रोपोनिन को जो कवर कर रखा था, ये तो एक्टिव साइट है एक्टिन पे, इस पर बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन हटेगा और ये बाइंड करेगा इस पर, तो एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ पे है, मायोसिन पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टिक मारिए, आएगा अगले साल आएगा फिर से। तो यहाँ पे कहा था इच मेरोमायोसिन हैज द टू इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोमुलर हेड द शॉर्ट आर्म एंड टेल होता है, फॉर्मर कॉल्ड द हैवी मेरोमायोसिन एंड द लेटर द लाइट मेरोमायोसिन, मतलब इधर जो है हैवी बोलते हैं, इधर लाइट बोलते हैं और कुछ नहीं है। जो हैवी वाला पोर्शन है, हेड है एंड शॉर्ट आर्म है, प्रोजेक्ट टू आउटवर्ड एट द रेगुलर डिस्टेंस एंड द एंगल फॉर्म इच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पोलीमराइज मायोसिन फिलामेंट एंड इज द नोन एज क्रॉस आर्म, बेकार की बात है। एक ग्लोबुलर हेड इज इन द एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड हैज द बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी एंड एक्टिव साइट, बस यही वाला पूछ रहा था, माथे पे क्या था एक्टिन और ये, यही बार बार आता है। अब करते हैं कॉन्ट्रेक्शन कैसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक मारिए।
मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इज द बेस्ट एक्सप्लेन बाई द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक मानना है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मतलब इसके लिए तो दिया गया, एक्सप्लेन किया गया इसके बेसिस पे कैसे होता है। स्ट्रेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स फाइबर टेक प्लेस बाई द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट। जो पतला वाला फिलामेंट है ना वो थिक पे दौड़ता है। ठीक मारिए, कॉन्ट्रेक्शन कैसा होता है, स्लाइड करता है थिन फिलामेंट ओवर द थिक। ऑब्वियसली मोटे पे पतला दौड़ता है, मोटा तो ऐसे ही मोटा हो गया ना खा के, कहाँ से दौड़ेगा, पतला वाला दौड़ता है। मसल कॉन्ट्रेक्शन इज द इनिशिएटेड बाई द सिग्नल, ऐसे मोटा पतला मेरा बोलने का मतलब कोई सेंस नहीं है, बस दिखाना जा रहा है यदि हैवी है तो वो रुका हुआ है और लाइट इस पर मूव कर रहा है, यही है। मसल कॉन्ट्रेक्शन इज द इनिशिएटेड बाई ए सिग्नल सेंड बाई द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिया बाय द मोटर न्यूरॉन। ब्रेन से आया सिग्नल है कॉन्ट्रेक्शन करो, सीने से आया कॉन्ट्रेक्शन करो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट्स द कंस्टिट्यूएंट एट द मोटर यूनिट। ये क्या दिखा है, यहाँ पे दिखाया है, अच्छा थोड़ा रफली मैं भी डायग्राम बनाऊंगा। मतलब होता क्या है, एक तो डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, यदि यदि ये एक मसल्स है ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नर्व बनाता हूँ, तो होता क्या है, यहाँ पे जो है मसल्स के साथ एक न्यूरॉन अटैच्ड है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो सब जानता ही होगा, एक न्यूरॉन यदि अटैच्ड है और ये मसल्स है, तो क्या होता है, जब मोटर न्यूरॉन होता है अलोंग विद द मसल्स फाइबर कनेक्टेड टू इट्स द कंस्टिट्यूएंट द मोटर यूनिट, मतलब ये मसल से न्यूरॉन कनेक्टेड है। अब यहाँ न्यूरॉन से आएगा, यहाँ पे इसमें सिग्नल आएगा, सीएनएस से इसको सिग्नल मिला। जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो नर्व आया और मसल, तो ये जो जंक्शन, ये वाला पोर्शन ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, नर्व और मसल का जंक्शन। इन न्यूरल सिग्नल रीचिंग इट्स द जंक्शन रिलीज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। अब यहाँ पे जैसे यहाँ से सिग्नल आएगा नर्व में आएगा, तो सिग्नल लेके कैसे आएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब सिग्नल लेके कैसे आता है, वो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज होगा, इसको कहते हैं सिग्नल है ये आया, विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। अब जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया कहाँ, सिग्नल मसल्स में। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सर्कुलेमा। अब कलर चेंज करते हैं क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पे सिग्नल आया तो जो मसल्स था, मसल से रिलीज हुआ क्या, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पे था, बोले थे सार्को प्लाजम में, मसल्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्म होता है वहाँ पे ये जो है स्टोर होता है, तो ये रिलीज करवाया कैल्शियम। अब कैल्शियम जो है कैल्शियम लीड टू बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब हम पीछे हमको जाना पड़ेगा, जो हमारा हम पढ़े थे ऊपर एक्टिन जो था, एक्टिन जो फिलामेंट था, यदि एक्टिन मसल्स है वहाँ पे जो होता है एक ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट हुआ करता था, हम अभी दिखाएंगे डायग्राम में दिखाएंगे। तो ट्रोपोनिन जो होता है ना वहाँ पे कैल्शियम ये बाइंड कर लिया उससे, हम डायग्राम में दिखाते हैं कहाँ पे कैल्शियम सब ने ट्रोपोनिन पे बाइंड किया। अब देखिए डायग्राम में देखिए, वहाँ पे ट्रोपोनिन होगा एक्टिन में, एक्टिन के ऊपर एक ऐसा ऐसा उस पे जाकर बाइंड किया। अब क्या होता है, मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन, रिमूव द मास्किंग। अभी क्या हो रहा था कि ये जो है ट्रोपोनिन का काम क्या था, एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंड करेगा जिस जगह पे, उस जगह को ही छिपा के रखे हुए है। अब कैल्शियम आया तो ये जगह को इसे बाइंड किया और हटा दिया, अब हट गया, छिपा हुआ हट गया, तो मायोसिन आकर बाइंड कर लेगा। तो इसमें क्या होता है, यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे जो होता है एनर्जी भी लगता है एटीपी। तब मायोसिन हेड कहाँ से एटीपी आएगा, मायोसिन के माथा से, मायोसिन के माथा पे देखिए, वहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, एटीपी कहाँ से आता है, तो मायोसिन के माथा पे है। एटीपी हेड नाउ बाइंड टू एक्सपोज एक्टिव साइड ऑन द एक्टिन। अब माथा से जो है यहाँ पे है मायोसिन है और ये एक्टिन था और ये मायोसिन यदि मानते हैं, तो इसके माथे पे जो है, इसके माथे पे ऐसे दो बना हुआ था ना, दो सांप के जैसे बना हुआ था ना, तो ये जो है अब जाके बाइंड करेगा इससे, एटीपी मिल गया, इसके हाइड्रोलिसिस से एटीपी मिल गया, अब यहाँ से ये जाकर बाइंड कर लेगा, क्रॉस ब्रिज बन गया, बाइंड किया मतलब क्रॉस ब्रिज बन गया, तो क्रॉस ब्रिज बन गया मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कट करता हूँ।
एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाइए फिर से, थोड़ा सा जो है चला गया था, फिर से आइए। ये जो है मायोसिन मोटा वाला, यहाँ पे माथे पे एटीपी, और ऊपर जो है एक्टिन, ये पतला एक्टिन। तो एक्टिन में क्या हुआ था, एक्टिन पे ट्रोपोनिन का जो साइड था वो हटा क्योंकि सिग्नल उधर से आया था, और मायोसिन बाइंड कर लिया, ये मायोसिन बाइंड कर लिया, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया, स्लाइड और रोटेशन हुआ, ये माथा पीछे गया, कॉन्ट्रेक्शन जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो क्रॉस ब्रिज बन गया उसको तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं, उसमें भी एटीपी का ज़रूरत पड़ता है, फिर से वापस आ गया। अब ये जो कॉन्ट्रेक्शन के लिए दो एटीपी नहीं, एक ही एटीपी चाहिए, आगे मिलेगा आपको। पुल द अटैच्ड एक्टिव साइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एचेट, वही यही जो पुलिंग हुआ। द जेड लाइन अटैच टू देम एक्टिन आर द ऑल्सो पुल इनवर्ट, देयर बाई काउजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमर। अब ये जो है, ये इधर जो है मायोसिन इधर कॉन्टेक्ट किया। अब ये डायग्राम में आते हैं, पहला डायग्राम, ये ट्रोपोनिन यहाँ पे था, यही हटा था, तो जो एक्टिव साइड यहाँ पे है जिस पे बाइंड करेगा मायोसिन। दूसरा ये दिखा रहा है कि ये जो मायोसिन है और ये एक्टिन है, ये बाइंड कर लिया है, तो ये क्या है, ये पुल किया, पुल किया, तो ये एज जोन है, ये जो है ख़त्म हो जाएगा बोला था, ये दोनों पास में आ जाएगा, पास में आ जाएगा। फिर क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमर हो गया एंड कॉन्ट्रेक्शन हो गया। इट इज द क्लियर फ्रॉम द एबव स्टेप दैट द ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कॉन्ट्रेक्शन आई बैंड गेट रिड्यूस्ड। ये क्वेश्चंस है आपका, इसको मैं समझाता हूँ फिर से। आई बैंड जो होता है वो गेट रिड्यूस्ड, टिक मारिए, फिर द ए बैंड रिमेन लेंथ, ए बैंड को कुछ नहीं हुआ, हुआ आई बैंड को हुआ। ये डायग्राम में दिखाएं, दिखाते हैं। द मायोसिन रिलीज एटीपी, ठीक है, एडीपी और आईबी प्लस गोज बैक टू इट्स द रिलैक्सेशन स्टेट, रिलैक्स स्टेट, ए न्यू एटीपी एंड क्रॉस ब्रिज इज द ब्रोकन एंड द एटीपी इज द अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ द क्रॉस। अच्छा पहले एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे आई बैंड जो है गेट रिड्यूस्ड और एक कुछ नहीं हुआ, ये याद रखना है, पहले इसको क्लियर करता हूँ, उसका दूसरा पार्ट। यहाँ पे जो है ये था आई, आई था, और ये है ये, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, जो ये पूरा ऑरेंज संतरा में दिख रहा है, ये है पूरा ए, ठीक है, और ये वाला जो है आई बैंड है, ये वाला जो है आई बैंड, आई बैंड, ये वाला पोर्शन यहाँ से ले गया यहाँ तक का आई पोर्शन है, आई पोर्शन है। तो कहा जाता है आई पोर्शन ये वाला जो होता है ये रिड्यूस्ड हुआ, ए बैंड को कुछ होगा। देखिए आई बैंड जो होता है, आई बैंड में क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, ये यदि इसके करीब जाता है और ये यदि इसके करीब जाता है, लेकिन ये जो लंबाई अभी है क्या कहीं बीच में घटने बढ़ने की कहीं जगह है, लेकिन आई बैंड में तो हो सकता है कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये मसल्स का लेंथ तो यही रहेगा, बदलेगा कौन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बदलेगा, और ये वाला बदलेगा मतलब आई बैंड बदलेगा, लेकिन ए बैंड को तो कुछ नहीं होगा, ये बैंड ये वाला यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है यहाँ के बीच में कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से चपेगा, यहाँ तो बीच में कुछ दूरी है तो चप सकता है, तो आई बैंड रिड्यूस होता है, ये बैंड कुछ नहीं होता है। ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, द मायोसिन रिलीज द, मायोसिन जो था मोटा वाला चीज रिलीज करता है एडीपी और पीआई गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। तो चलें यहाँ पे क्लिक रहा है, द मायोसिन रिलीज करता है एडीपी और आईपी गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। ये जो मायोसिन था एटीपी, एडीपी और आईपी था, ये फिर से बैक चला गया, रिलैक्स स्टेट में चला गया। फिर क्या होगा, ए न्यू एटीपी बाइंड टू क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन द एटीपी इज द अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन
इट एंड साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, मतलब ए न्यू एटीपी माइंड करता है, क्रॉस ब्रिज तोड़ देता है, मतलब जो क्रॉस ब्रिज बना है तोड़ने के लिए फिर से एटीपी लगा, और एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि दो एटीपी लग रहा है, लेकिन नहीं, एक ही एटीपी लगता है। मतलब कह रहा है जब तोड़ रहा है तो एटीपी लगा, और फिर से क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए हमको एटीपी लगता है, तो दो एटीपी लग रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही एटीपी लगता है, तो एक ही एटीपी लग रहा है, तो नहीं लग रहा। और दूसरा बात, ये जो कॉन्ट्रेक्शन कब तक है, ये जो आप बोल रहे हैं ये जब कॉन्ट्रेक्शन हमारा हो रहा है, टूट रहा है, कॉन्ट्रेक्शन बन रहा है, ये कॉन्ट्रेक्शन कब तक है? क्या एटीपी जब तक सकती है तब तक कॉन्ट्रेक्शन चलता रहेगा, लग तो रहा है ऐसा? नहीं, फिर गलत। कैल्शियम है, जब तक कैल्शियम है तब तक कॉन्ट्रेक्शन होगा, मिलेगा आगे पेशेंट। ये बात हम आगे फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन जो मैं ऊपर किया हूँ फिर से करता हूँ। ये पूरा हमारा बैंड है जिसमें दिख रहा है हमारा ये जो एच जोन है, और ये जो है आई बैंड है, और ये ए बैंड है। ए बैंड के बीच का जगह जो खाली जगह था वही तो एच जोन है। तो ये आई है और ई है। जब देखिए कॉन्ट्रेक्शन किया तो ये वाला जो जेट लाइन था यहाँ पर आ गया, ये जेट लाइन था यहाँ पर आ गया। और जेट लाइन जो है, जेट लाइन ही तो एक आई बैंड है, उसी के बीच का तो आई बैंड कहते हैं जेट लाइन को। तो जेट लाइन घसक गया, मतलब आई बैंड भी घसक गया। आई बैंड यहाँ पे था कि नहीं? यहाँ भी था। ये आई बैंड है तो यहाँ भी तो आई बैंड होगा। ये घसक के यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। तो आई बैंड जो है घसका, मतलब मूव किया। लेकिन जो ए बैंड है, ये वाली पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कॉन्ट्रेक्शन के बाद भी यहाँ से यहाँ तक का दूरी वही सेम रहा, नहीं बदला। तो बदला क्या? ये वाला जो खाली जगह था वो बदला, मतलब आई बैंड बदलता है, आई चलता है, आई जो है कम हुआ। इवन जो है जेड है, जेड यहाँ से यहाँ जेड था, अब जेड भी कम हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये जेड है हमारा, और यहाँ फिर जेड है, यहाँ पे तो जेड है लेकिन ये घसक गया, तो जेड भी कम हुआ। लेकिन कौन चेंज नहीं होता? ए अनंत बदलता नहीं है। एक ट्रिक दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एंड ब्रेकिंग इज द रिपीटेड काउचिंग द फर्दर स्लाइडिंग द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम एंड अर द पम्प बैक टू द सर्कोप्लाजम। सिस्टर ने बोला था ये जो प्रोसेस है हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। कब तक रहेगा ये प्रोसेस? जो होता है कंटिन्यू रहता है टिल जब तक हमारा कैल्शियम है, एटीपी नहीं, कैल्शियम। ये कैल्शियम कहाँ से आता है? तो सार्कोप्लाज्म का सिस्टर्नी एक छोटा सा पार्ट है। सार्कोप्लाज्म एक लगा हुआ रहता है, वो जो होता है वो रिलीज करता है। टी ट्यूबल्स होता है, एल ट्यूबल्स होता है, तो यहाँ से कैल्शियम निकलते रहते हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ द जेट लाइन बैक ऑफ द ओरिजिनल पोर्शन। फिर से बैक आ रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है। द रिलैक्सेंट टाइप ऑफ द फाइबर एंड वायरी इन द डिफरेंट मसल। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द अकोमोलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड होगा। थक जाते हैं ना हम लोग, एनारोबिक रिएक्शन होने लगता है ना, एनारोबिक रिस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन से बनता है, काउज द थक जाते हैं हम लोग। फैटी क्यू मसल्स कॉन्टेन ए रेड कलर ऑक्सीजन शॉर्टनिंग प्रोटीन कॉल द मायोग्लोबिन। मसल्स में एक मायोग्लोबिन है, ठीक है। मायोग्लोबिन कॉन्टेंट हाई इन द सम ऑफ द मसल्स कॉन्टेंट इज हाई। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिल रहा है? तो ये हमारे मसल से मिल रहा है, जो कि रेडिश कलर दे रहा है। सच मसल्स आर द कॉल्ड द रेड फाइबर, जो हम है ये रेड फाइबर बनाता है। दिस मसल ऑल्सो कॉन्टेन द प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रेड में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अस्टो। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ऑक्सीजन उसको चाहिए एटीपी बनाने के लिए। तेज मसल देयरफॉर कैन ऑल्सो कॉल द एरोबिक मसल्स है। तो जो रेड मसल है उसे माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब एरोबिक बोलेगा क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे चाहिए। ऑन द अदर हैंड, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका उल्टा, अभी तक जो पढ़े थे इसका उल्टा मिलेगा हमको व्हाइट में। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल प्रोसेस लेस क्वांटिटी ऑफ द मायोग्लोबिन अपीयर इज द व्हाइट। जो व्हाइट है वहाँ मायोग्लोबिन कम है, यहाँ पे ज़्यादा था, ऊपर ज़्यादा था। ऊपर येल्लो है, नीचे व्हाइट है। नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे कम होगा, ऊपर ज़्यादा था। उसके बाद वहाँ पे एरोबिक था, यहाँ पे एनोरोबिक है। वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा था, यहाँ पे कम है। तो रेड में एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक है सॉरी ट्रिक है। जो R फॉर रेड,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ज़्यादा था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे, एक सेकंड, सार्कोप्लाज्मिक एनर्जी से रिलेटेड है। जो हमारा रेड है वो क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, ओवर ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा और वो रेड है, रेड मसल से एक रफली आइडिया है कि रेड जो है ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। फिर हम चलते हैं स्केलेटल सिस्टम में, तो ऑलरेडी मेरा ख़त्म हो चुका है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। अब जो स्केलेटल सिस्टम है 3 से 4 पेज का है एंड 45 मिनट इस ओवर हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि स्केलेटल पे अलग अलग सा पार्ट पे एक वीडियो बनाऊँ। क्योंकि नहीं तो अदर विषय है तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी थक जाएंगे। बोलिए, छोड़ दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ।